आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी फ़ोटोशॉप में काम करते हुए लेयर्स का इस्तेमाल किया था ख़ास तौर पर अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर तो लेयर्स को हमने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया था और उसकी इम्पॉर्टेंस पे भी हमने बात की थी इस लेसन के अंदर हम लोग अडोबी इन डिज़ाइन के हवाले से लेयर्स की बात करेंगे और हम देखेंगे कि अडोबी इन डिज़ाइन में हमारे पास लेयर्स के अंदर क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो चले चलते हैं डोबिंग डिजाइन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं लेयर पैनल को अच्छा जी आप लोगों को लेयर्स के हवाले से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये वही डिजाइन अपना जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था वो यहाँ पे रखा हुआ है एक और लेसन में भी मैंने यही डिजाइन जो है वो आप लोगों को दिखाया था ये एक रफ सा मैंने एक डिजाइन जो है वो क्रिएट किया है फूड बिगेस्ट फूड अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट के हवाले से और फूड के हवाले से इसमें कुछ इमेजेस हैं कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे ये एक मैंने कुछ रिस्ट्रेशन जो हैं वो छोटी छोटी यहाँ पे ऐड की हैं इनको एज अ ग्रुप मैंने ऐड किया यहाँ पे अच्छा जनाब अब मैं आपको बताता चलूँ हमारे पास यहाँ पे ये जो राइट right साइड पे मेन्यू होता है इसमें ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेयर्स की ये लेयर वन लिखा हुआ है ठीक है जी इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ जी फूड अट्रैक्शन ये मैं इसको एक नाम दे देता हूँ वैसे फर्जी नाम अंदाजन मैंने दे दिया है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जो है ये लेयर जो है इसके अंदर क्या चीजें बनाई हुई है अच्छा यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में होता था यहाँ पे हमारे पास ये एक आई आए का आईकॉन मौजूद है अगर इसको हम ऑफ करें तो ये देखें हमारे इस लेयर के अंदर ये सारा जो कंटेंट पड़ा हुआ है ये सारे का सारा गायब हो जाता है अच्छा ये मैं आपको बताता चलू देखें इस बटन के ऊपर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ ये हमारे पास पूरा कंटेंट जो है वो लेयर वाइज अवेलेबल है बेसिकली क्योंकि ये डिजाइन बनाते हुए मैंने खुद से लेयर जो है वो नॉमिनेट नहीं की थी डिफरेंट कॉन्टेंट्स के लिए टेक्स के लिए या इमेजेस के लिए तो इसलिए क्या हुआ है कि इन डिजाइन ने बिल्कुल जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में काम करते हुए जब लेयर खुद से डिफाइन नहीं करते तो इलस्ट्रेटर क्या करता है कि इलस्ट्रेटर अपने आप एक लेयर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बना देता है और उसके अंदर हमारे लेयर के अंदर डिफरेंट पोर्शन uh, जो है वो हमारा कॉन्टेंट के रख देता है बिल्कुल इसी तरह से डोबी इन डिजाइन ने किया है कि इसने लेयर के अंदर एक मेन लेयर बनाई है उसके अंदर सब लेयर जो, जो है वो बना दी और उन सब लेयर्स में मेरा कंटेंट जो है वो डिवाइड करके रख दिया है अगर मैं खुद से डिफाइन कर दूं हर कंटेंट के लिए लेयर को अलग से जब मैं उस डिजाइन uh, uh, को क्रिएट कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा जो कॉन्टेंट है वो डिवाइडेड होगा मेन लेयर्स के अंदर इस वक्त ये एक मेन लेयर है और इसके अंदर ये सब लेयर्स हैं आप देख सकते हैं कि ये इन सब को हम ऑन ऑफ करके देख सकते हैं ये जो आई का हमारे पास आईकॉन है इसकी मदद मतलब से हम इसे इजीली जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं अच्छा जी ये नाम लिखे हुए हैं हम इनको जो है वो डेफिनेटली डबल क्लिक करके इस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको जैसे ये देखें डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास रीनेम की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी अच्छा जी इसके बाद यहाँ पे ये यह आपने देखा ये अभी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर पे हमारे पास रीनेम की ऑप्शन आई थी अच्छा फिलहाल मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त मुझे उसको रीनेम करने की जरूरत नहीं है वैसे आप कर सकते हैं ताकि आपका जो लेयर है उसका पता हो आपको कि किस सब लेयर में कौन सी चीज आपके पास अवेलेबल है अच्छा इसके अलावा यहाँ पे ये देखें ये एक ब्लू कलर का बटन आपको नजर आ रहा है तो जनाब ये आप जब इस लेयर पे देखें आप क्लिक करते हैं तो उस लेयर के अंदर जो कंटेंट है वो वो जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर वो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट uh, हो जाता है अपने आप इसी तरह से ये देखें ये हेडिंग वाला जो कंटेंट है ये इस लेयर में है तो वो सिलेक्ट हो गया इसी तरह से अब अगर, अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ तो ये देखें ये वाला जो मेरा बॉडी टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो गया अच्छा इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट लेयर पर आऊँ और यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो ये देखें मेरा इमेज जो इस लेयर के अंदर है वो सिलेक्ट हो गया इसी तरह से इस लेयर के ऊपर अगर मैं आके यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ये वाला मेरा जो इमेज है इसका जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया अच्छा जी यहाँ पे राइट पे एक फ्लाई आउट बटन है लेकिन इस फ्लाई आउट बटन पे जाने से पहले मैं क्या करने लगू इस लेयर को क्लोज करने लगू और यहाँ पे आपके लिए एक और चीज मैं बताने लगाऊ कि यहाँ से हम क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हैं ठीक है जी जिसमें यहाँ पे लेयर टू आ गई है एक नई लेयर आ गई है और ये जो पहली लेयर है इसको हम लॉक कर सकते हैं इस लेयर को लॉक करने का फायदा क्या होगा कि जो इसके कॉन्टेंट्स हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेफ हो जाएंगे और अब अगर हम लेयर टू के अंदर जाके सपोज यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं ये तो अब इस बॉक्स को मैं मूव कर सकता हूँ लेकिन इस लॉक्ड लेयर के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको मैं मूव नहीं कर सकता ये उनको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉक है वो जो लेयर है वो मैंने लॉक की हुई है तो इस तरह से हम लेयर को लॉक भी कर सकते हैं इस स्क्वायर को मैं डिलीट कर रहा हूँ हम लेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ठीक है जी इसके बाद हम यहाँ पे फ्लाई आउट बटन पर आएँ तो देखें हमारे पास न्यू लेयर की ऑप्शन है डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन है अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ और इसको डुप्लीकेट करूँ तो ये देखें उसकी कॉपी आ गई है अगर नीचे वाली ओरिजिनल लेयर को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ तो ये देखें सेम कॉन्टेंट वाली मेरी एक डुप्लीकेट लेयर मेरे पास आ गई है और इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको अगर मैंने डिलीट करना हो तो यस मैं डस्टबिन वाले एक आइकॉन पे आऊँगा और इसको डिलीट कर दूँगा इसी तरह से हाइड ऑल लेयर्स लॉक ऑल लेयर्स के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है तो ये फ्लाई आउट बटन में भी हमारे पास कुछ लेयर्स के ऑप्शन मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि ये लेयर्स की ऑप्शन हमारे पास कितनी यूज़फुल हैं अच्छा ये न्यू लेयर अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसके अंदर ये देखें इसका कलर चेंज कर दूँ तो ये भी मेरे लिए हेल्पफुल होता है यानी ये अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रीन कलर आ गया तो अब इस नई लेयर के अंदर मैंने ग्रीन कलर दिया तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसका जो बाउंडिंग बॉक्स आएगा वो ग्रीन कलर का आएगा ठीक है जी और यहाँ पे मेरे पास शो लेयर की ऑप्शन है शो गाइड्स की ऑप्शन है लॉक लेयर में यहाँ से भी इसको लॉक कर सकती हूँ लेकिन फिलहाल मैं इसको लॉक नहीं करना चाहता ये देखें यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आया है और इसी तरह से जब हम कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं इस नई लेयर के ऊपर तो ये देखें इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है इस मेरे रेक्टेंगल का ये भी ग्रीन कलर का आ रहा है तो ये कलर चेंज करने से फायदा क्या होता है कि आपको कंटेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने में आसानी होती है क्योंकि लेयर्स का मकसद ये है कि कंटेंट को डिवाइड करके रखा जाए और इजीली उसको अलग अलग पहचान दी जा सके तो ये आप इसमें से बड़ी आसानी से कर सकते हैं डिजाइन के अंदर